अपनी फिल्म धर्मा को छोड़कर बीच में ही क्यों जाना पड़ा पवन सिंह को आरा। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी में जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, यूपी सरकार ने अब वहां पर शूटिंग पर रोक लगाना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, आप ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते, भीड़ नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। जल्द ही यूपी में भी धारा 144 लगा दी जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि यूपी में अभी लॉकडाउन के आसार तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन इससे परहेज भी नहीं करेगी योगी सरकार। वैसे हम बात कर रहे हैं फिल्म धर्मा की, जो कि पवन सिंह की फिल्म है। काजल राघवानी इसमें मेन लीड में है। तो आपको ये बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग अयोध्या में हो रही थी और इस फिल्म को रोक दिया गया है सिर्फ कोरोना वायरस के बढ़ते हुए स्ट्रेन को देखते हुए, साथ ही साथ कलाकारों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी। जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में निरहुआ, आम्रपाली, स्मृति सिन्हा, इन तीनों को कोरोना हो गया है, बढ़ते वाकयात को देखते हुए रोकी गई है शूटिंग। और तो और पवन सिंह अपने गांव के लिए भी रवाना हो चुके हैं और वहां जो शूटिंग स्पॉट पर जितने लोग थे सभी को अपने घर जाने के लिए कह दिया गया है। काजल राघवानी भी अपने घर पूना आ चुकी हैं। यानी भोजपुरी इंडस्ट्री में धीरे धीरे अब फिल्मों की शूटिंग होना बंद हो चुका है। लेकिन अब बात अगर हम खेसारी लाल यादव की कर लें, तो खेसारी लाल यादव इन दिनों शिमला गए हुए हैं अपने कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए। यानी भोजपुरी इंडस्ट्री में इस वक्त अगर कोई सुपरस्टार काम कर रहा है वो कोई और नहीं, खेसारी लाल यादव हैं। और खेसारी लाल यादव ने इसकी अपडेशन अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दी और पवन सिंह ने भी ये अपडेशन कि वो आरा जा रहे हैं, उनकी फिल्म का काम बंद हो रहा है, जैसे ये मामले शांत होंगे फिर से फिल्म धर्मा पर काम स्टार्ट कर देंगे। ये सारा उन्होंने अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट से सारी इन्फॉर्मेशन दी है। इस वक्त फ़िलहाल आप सभी सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी कामना हम करते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।